बेगूसराय जिले के परोड़ा पंचायत के बरमपुरा टोला में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छोटे बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत कठिनाइयां होती थी, जिसको लेकर वहां के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ने स्कूल बनाने के लिए जमीन खरीदकर सरकार को वहां प्राथमिक विद्यालय बनाने के लिए जमीन को दान में दे दिया, जिसके बाद विद्यालय का नाम नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुरा के नाम पर भूमि पूजन संजीदा खातून एवं एचएम अनीता कुमारी के द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर उपस्थित शिक्षक एवं ग्रामीणों ने इसको लेकर संजीदा खातून को आभार प्रकट किया है। बीडी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से विनय कुमार विनायक की रिपोर्ट। ये नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुरा जो है, ये भूमि प्राइवेट है, मतलब किसी ने दान दिया है। उस किसी में मुखिया प्रतिनिधि पति फूल हसन जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा इस भूमि को किसी से लेके और राज्यपाल बिहार सरकार को लिखा गया है, उसी पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुरा टोला का निर्माण होने जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा उन्हीं समाज कार्यकर्ता फूल हसन जी से कि इनका क्या उद्देश्य था, क्या खुशी हो रही है, क्या कारण था, या क्या इनका प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रह्मपुरा में ब्रह्मपुरा से जो मध्य विद्यालय प्रोरा है उसका दूरी लगभग 1 किलोमीटर के लगभग है, किस कारण से दिए हैं। मैं इन्हीं के जुबानी जानना चाहेंगे इनकी कहानी कि ये क्यों यहाँ बनवाने का निश्चय किए, क्यों ये अपना जमीन भूमि दान दिए बिहार सरकार को और ये भवन निर्माण करवा के यहाँ के बच्चा यहाँ के गार्जियन को सुविधा देने का जो काम किए हैं उनके बारे में मैं इनसे जानना चाहूँगा। नमस्कार, आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। मैं परोड़ा पंचायत प्रधान संजीदा खातून के पति हूँ। स्कूल मध्य विद्यालय परोड़ा यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी था। जमीन के अभाव में मेरा नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुरा टोला स्कूल परोड़ा मध्य विद्यालय में अभी चल रही है और बच्चे को जाने आने में काफ़ी